तो बहुत दूरी है, मेरे फादर एक्सपायर हो चुके हैं 30 साल से लड़ते लड़ते, तो हमारे को न्याय दिलाया जाए इसी उम्मीद से हम यहाँ पे आए हैं। छोड़ते जा रहे हैं और अगली बार महिलाएं और बच्चे मेरे बहुत सारे आएंगे। ये देखिए हम लोगों के लिए मतदान किया जा रहा है कि आएगी चेते और कम से कम जो हम पीड़ित लोग हैं हमारा न्याय मिले और हमारे प्लॉट मिले। 28 साल हो गए हमें लड़ते लड़ते और कुछ नहीं हो पाया, लेकिन एनडीए की तरफ से कोर्ट का डिसीजन भी ये लोग मान दे रहे हैं। सारी चीजें हमारे करके बैठे हुए हैं दादाजी आईडी लाल जी का सारी चीजें कोर्ट भी कैसे बताए दादागिरी है इन लोगों की, इनको समझ में आए इस बार तो यही प्रार्थना है। वस्त्रदान वस्त्रदान किया था जीपीएफ में, मैंने कल में लिया था, मैं सीआरपीएफ से रिटायर्ड हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं अभी यहाँ पर भटक रहा हूँ अपने प्लाट के लिए और अभी तक मेरे को प्लाट नहीं मिला, मुझे एनओसी नहीं दे रहे हैं हमको और एनओसी ना देने की वजह से हम लोग सब यहाँ पर इकट्ठे और हम लोगों के ऊपर एनओसी नहीं देने का कोई कारण नहीं है, कोर्ट इनको आदेश कर दे। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।